तीसरे मोर्चे की तलाश में पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने आज दिल्ली में दरबार लगाया। ममता बनर्जी ने एनसीपी प्रमुख शरद पवार समेत कई दलों के नेताओं से मुलाकात की। ममता बनर्जी ने आज शिवसेना के संजय राउत, बीजेडी के अनुभवी मोहंती, डीएमके के कनिमोजी और टीडीपी नेताओं से मुलाकात की। माना जा रहा है कि 2019 में बीजेपी और एनडीए के विजय रथ को रोकने के लिए थर्ड फ्रंट बनाने की कोशिश हो रही है। ममता का आज शाम सोनिया गांधी से भी मिलने का कार्यक्रम है। ममता ने बैठक के बाद कहा, जब दो पॉलिटिकल लोग मिलते हैं तो पॉलिटिक्स की ही बात होती है। कर्नाटक में चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही चुनाव आचार संहिता लागू हो गई है। कर्नाटक में 12 मई को वोट डाले जाएंगे, जबकि 15 मई को कर्नाटक में चुनाव के नतीजे आएंगे। वहीं 17 अप्रैल को कर्नाटक चुनाव की अधिसूचना जारी होगी और उम्मीदवार 27 अप्रैल तक नाम वापस ले सकेंगे। कर्नाटक में दोनों बड़ी राष्ट्रीय पार्टी कांग्रेस और बीजेपी के बीच सीधा सीधा मुकाबला है। चुनाव आयोग ने आज तारीखों का ऐलान तो किया, लेकिन तारीखों के ऐलान से पहले एक ट्वीट को लेकर विवाद हो गया। ये ट्वीट बीजेपी के आईटी सेल इंचार्ज अमित मालवीय ने किया। चुनाव आयोग के ऐलान से पहले अमित मालवीय ने वोटिंग की तारीख बता दी। विवाद बढ़ा तो अमित मालवीय ने सफाई दी और एक न्यूज चैनल के ट्वीट का हवाला दिया। बाद में अमित मालवीय ने अपना ट्वीट डिलीट कर दिया। मुख्य चुनाव आयुक्त ओपी रावत ने बताया कि कर्नाटक में 4,96,00,000 वोटर हैं। 97% फोटो पहचान पत्र जारी किए गए हैं। चुनाव में 56,000 पोलिंग स्टेशन बनाए जाएंगे। महिलाओं और दिव्यांगों के लिए विशेष इंतजाम किए जाएंगे। सभी पोलिंग स्टेशनों पर ईवीएम के साथ वीवीपैट का भी इस्तेमाल होगा। इलेक्ट्रॉनिक मशीन के बारे में लोगों को जागरूक किया जा रहा है। चुनाव के दौरान इको फ्रेंडली सामग्री का इस्तेमाल होगा। रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक लाउडस्पीकर पर रोक लगा दी गई है। वहीं चुनाव प्रचार के दौरान दस्तावेज नहीं दिखा पाने पर बड़ी रकम जब्त होगी। भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने के लिए फैसला लिया गया है। इसके साथ ही चुनावी खर्च पर चुनाव आयोग की विशेष नजर रहेगी। चुनाव प्रचार में एक उम्मीदवार 28,00,000 रुपए से ज्यादा खर्च नहीं कर सकता। कर्नाटक चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले ही बीजेपी आईटी हेड के ट्वीट पर विवाद बढ़ता जा रहा है। कांग्रेस ने बीजेपी पर हमला बोला है। कांग्रेस के प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने बीजेपी के आड़े हाथों लेते हुए कहा कि आयोग की विश्वसनीयता को ऐसी चुनौती है। सुरजेवाला ने ट्वीट कर कहा कि बीजेपी सुपर इलेक्शन कमीशन बन गई है। साथ ही उन्होंने सवाल उठाया कि क्या चुनाव आयोग इस मामले में FIR दर्ज कराएगा। लोकसभा में आज का दिन भी हंगामे की भेंट चढ़ा। आज भी कोई कामकाज नहीं हो सका। हंगामे के चलते लोकसभा में आज भी अविश्वास प्रस्ताव मंजूर नहीं हो सका। सदन की कार्यवाही शुरू होते ही हंगामा शुरू हो गया। स्पीकर सुमित्रा महाजन ने पहले कार्यवाही 12 बजे तक के लिए, फिर पूरे दिन के लिए स्थगित कर दी। कांग्रेस और बीजेपी ने एक दूसरे पर बहस से भागने का आरोप लगाया। कावेरी जल विवाद और आंध्र प्रदेश को स्पेशल स्टेटस के मुद्दे पर टीडीपी और AIADMK सांसदों ने हंगामा किया। संगठित अपराध पर लगाम लगाने के लिए लाए गए यूपी कोका बिल को यूपी विधानसभा की मंजूरी मिल गई है। अब यह कानून मंजूरी के लिए राज्यपाल के पास भेजा जाएगा। राज्यपाल की मंजूरी के बाद यह कानून बन जाएगा। यूपी सरकार ने कहा कि 4 महीने के बाद दूसरी बार यूपी कोका बिल को विधानसभा में पेश किया गया है और इसे पारित करा लिया गया। इससे पहले इस बिल को योगी सरकार ने विधानसभा से पास कराया था, लेकिन विधान परिषद में बीजेपी के बहुमत न होने की वजह से यह पास नहीं हो पाया था। इस बार इसे विधान परिषद में भेजने की जरूरत नहीं है। अब इसे सीधे राज्यपाल के पास भेजा जाएगा। सरकार का दावा है कि कानून के आने से अंडरवर्ल्ड, जबरन वसूली, जबरन कब्जे, वैश्यावृत्ति, अपहरण, फिरौती, धमकी और तस्करी जैसे संगठित अपराधों पर लगाम लगेगी। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ट्वीट के जरिए आरोप लगाया है कि आज राजनीतिक लाभ के लिए टेक्नोलॉजी का खुलकर दुरुपयोग हो रहा है। ईवीएम का विरोध करते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि टेक्नोलॉजी लिटरेट समाज को इस भी आगे आकर इसका विरोध करना चाहिए। बैलेट पेपर की वापसी, स्वच्छ राजनीति और जनता में चुनावी प्रक्रिया में विश्वास की पुनर्बहाली के लिए समय की सबसे पहली मांग है। पाकिस्तान को लेकर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने बड़ा बयान दिया है। गडकरी ने कहा है कि हरियाणा, पंजाब और राजस्थान में पानी की कमी को दूर करने के लिए पाकिस्तान को व्यर्थ बहाकर जाने वाले पानी को रोका जाएगा। उन्होंने कहा कि 1947 में जब बंटवारा हुआ तब भारत और पाकिस्तान को 3-3 नदियां मिली थी, लेकिन आजादी के बाद अब तक भारत को उसके हिस्से का पूरा पानी नहीं मिला। उन्होंने कहा कि सतलुज, व्यास और रावी के पानी से हरियाणा, राजस्थान में पानी की कमी पूरी होगी। गडकरी ने बांध बनाकर पानी रोकने की बात कही। खाप पंचायतों को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक आदेश देते हुए कहा कि शादी को लेकर खाप पंचायतों के फरमान गैर कानूनी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर दो बालिग अपनी मर्जी से शादी कर रहे हैं तो इसमें कोई दखल नहीं दे सकता। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि जब तक केंद्र सरकार इस मामले पर कानून नहीं लेकर आती तब तक ये आदेश प्रभावी रहेगा। सुप्रीम कोर्ट में शक्ति वाहिनी नाम के एनजीओ ने खाप पंचायतों के खिलाफ याचिका दायर की थी।
आधार मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को कहा है कि डेटा चोरी रोकने और उसका दुरुपयोग रोकने के लिए सरकार को कानून बनाना चाहिए। दरअसल UIDAI के CEO सुप्रीम कोर्ट में खुद ही ये बात कही थी कि आधार का डेटा पूरी तरह सुरक्षित नहीं है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ ने कहा कि भारत में डाटा को सुरक्षित रखने के लिए मजबूत कानून नहीं है, लिहाजा कड़े कानून को बनाने की जरूरत है। उत्तराखंड के सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने निकाय चुनाव के लिए आज शंखनाद कर दिया है। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने ऐलान किया कि सीमा विस्तार के बाद शामिल होने वाले गांव से 10 साल तक हाउस टैक्स नहीं लिया जाएगा। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने जनता से बीजेपी उम्मीदवार को जिताने की अपील की। दरअसल सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत आज रायपुर क्षेत्र के दौरे पर थे। इस दौरान उन्होंने यहां पर 1 अरब से ज्यादा की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी किया। मध्य प्रदेश में शिवराज कैबिनेट की बैठक में आज कई अहम फैसले लिए गए, जिसके मुताबिक अब 1 लाख की आबादी पर हर शहर में नई तहसील बनाई जाएगी। आज की कैबिनेट बैठक में शिवराज सरकार ने फैसला लिया कि विधवा की जगह अब कल्याणी शब्द का इस्तेमाल होगा। इसके लिए सीएम कल्याणी योजना लागू करेंगे। मध्य प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल में समीक्षा बैठक की। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सीएम ने पुलिस अफसरों से कानून व्यवस्था की जानकारी ली। मध्य प्रदेश की खेल एवं युवा कल्याण मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया ने आज बीजेपी के राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री सौदान सिंह से मुलाकात की। सूत्रों की माने तो ये मुलाकात बीजेपी ऑफिस में बंद कमरे में हुई। मुंगावली कोलारस उपचुनाव में मिली हार के बाद इस मुलाकात को अहम माना जा रहा है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल में गोकुल महोत्सव रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। एमपी में 10 मई तक पशुपालन विभाग का गोकुल महोत्सव अभियान चलेगा। इसके तहत ये रथ राज्य के सभी 51 जिलों में जाएगा। छत्तीसगढ़ के सरकारी अस्पतालों में होने वाली जांच को अब सरकार अब प्राइवेट हाथों में सौंपेगी। शासकीय मेडिकल कॉलेजों और अस्पताल के रेडियोलॉजी, पैथोलॉजी और लॉन्ड्री विभाग को निजी हाथों में देने का फैसला किया गया है। मध्य प्रदेश में भिंड में पत्रकार संदीप शर्मा की मौत मामले में सीबीआई जांच होगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि इससे सच सबके सामने आ जाएगा। एमपी के भिंड में पत्रकार की हत्या के मामले में आरोपी ड्राइवर रणवीर यादव का कहना है कि वो न तो ट्रक चलाता है और न ही उसके पास ट्रक का लाइसेंस है। उसका कहना है कि गांव का ही रामवीर यादव नाम का शख्स ट्रक चलाता है और वो ट्रक को ठीक कराने के लिए ले जा रहा था। छत्तीसगढ़ के रायपुर में एक प्रेग्नेंट महिला की पीलिया से मौत हो गई, जबकि 70 से ज्यादा इसकी चपेट में है। पिछले 10 दिनों में पीलिया के मरीजों में लगातार इजाफा देखने को मिला है। छत्तीसगढ़ के रायपुर में धोखाधड़ी के आरोप में एक बिल्डर और उसके बेटे पर शिकंजा कसा है। पुलिस ने बिल्डर विमल जैन और उसके बेटे वैभव को गिरफ्तार किया है। मध्य प्रदेश के मंदसौर में सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि एक गंभीर रूप से घायल हो गया। यूपी के ग्रेटर नोएडा में मामूली विवाद को लेकर 2 पक्ष आपस में भिड़ गए। दोनों तरफ से जमकर पथराव और फायरिंग की गई। उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर में 50,000 के नक्सली कमांडर को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार किए गए नक्सली कमांडर का नाम सुधीर है और ये बिहार का रहने वाला है। यूपी के लखनऊ में बेखौफ बदमाशों ने एक डॉक्टर की गला रेतकर हत्या कर दी और उसका शव सुनसान इलाके में खाली प्लॉट में फेंककर फरार हो गए। उत्तर प्रदेश के देवरिया में एक सनकी ने एक तरफा प्यार के चलते अपनी ही प्रेमिका को गोली मार दी और फरार हो गया। यूपी में अपराधियों को पुलिस के एनकाउंटर का डर से अब अपराधी पुलिस के सामने हाथ जोड़कर सरेंडर करें। ग्रेटर नोएडा में बीजेपी नेता शिवकुमार यादव समेत 3 लोगों के मर्डर के आरोप में फरार चल रहे शेरू भाटी ने बिस्तरक थाने में सरेंडर कर दिया। उत्तर प्रदेश के मेरठ में भी कुछ इसी तरह की तस्वीर सामने आई। पुलिस ने यहां एनकाउंटर के बाद एक बदमाश को पकड़ा। घायल बदमाश को अस्पताल ले जाया गया, वहां वो पुलिस के सामने गिड़गिड़ाता रहा। उत्तर प्रदेश में लगातार हो रही मुठभेड़ से बदमाशों के परिवार वालों को भी डर सताने लगा। इनामी बदमाश शेरू भाटी के सरेंडर करने के बाद ही कई मुकदमों में फरार चल रहे इनामी बदमाश अमित कासना के भाई ने वीडियो जारी कर दावा किया कि उसका भाई 2-4 दिनों में सरेंडर कर देगा। उत्तर प्रदेश के आगरा में एक शख्स ने SSP कार्यालय में खुदकुशी की कोशिश की, लेकिन उसे पुलिसकर्मियों ने रोक लिया। शख्स का इलाज अस्पताल में कराया जा रहा है। यूपी के आगरा के SSP अमित पाठक कानून व्यवस्था में सख्ती के साथ लोगों की मदद की नई मिसाल पेश कर रहे हैं। कल SSP का काफिला जब सदर इलाके से गुजर रहा था, तभी बाइक सवार 2 युवक सड़क हादसे का शिकार हो गए। अमित पाठक ने अपना काफिला रोककर घायलों की मदद की। बिहार के सिवान में प्रेम प्रसंग में एक युवक की पीट पीट कर हत्या कर दी गई। मामला गोरैया कोठी थाना क्षेत्र का है।
बिहार के सिवान में बेखौफ अपराधियों ने एक दवा कारोबारी की गोली मारकर हत्या कर दी। पुलिस मामले की जांच कर रही है। राजस्थान के जोधपुर में एक विवाहिता का शव मिलने से सनसनी फैल गई। परिजनों ने ससुराल वालों पर हत्या का आरोप दर्ज कराया है। बिहार के खगड़िया में अवैध संबंधों का विरोध करने पर पति ने पत्नी की हत्या कर दी। बेरहम पति ने खेत में ले जाकर पत्नी का कत्ल कर दिया। इस मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और जांच जारी है। यूपी के शामली में दहेज के दानवों ने एक और विवाहिता की बलि ली। आरोप है कि लगातार दो बेटियों से नाराज होने पर ससुराल वालों ने विवाहिता को छत से फेंककर मौत के घाट उतार दिया। यूपी के जौनपुर में संदिग्ध हालात में एक सिपाही की जीभ कटने से सनसनी फैल गई है। बदमाशों ने सिपाही का जीभ काटकर सड़क किनारे छोड़ दिया। सिपाही गंभीर हालत में सड़क किनारे खेत पर पड़ा रहा। यूपी के शामली में एक झोला छाप डॉक्टर की लापरवाही से मासूम को अपनी जान गंवानी पड़ी। मामला कांधला थाना क्षेत्र के गढ़ी श्याम गांव का है। आरोपी झोला छाप डॉक्टर पर गलत इंजेक्शन लगाने का आरोप है। झारखंड के बोकारो में 5 रुपए की उधारी को लेकर गोली चली। मामला बोकारो सिटी थाना क्षेत्र के जोशी कॉलोनी का है। बताया जाता है खैनी बेचने वाला एक दुकानदार एक ग्राहक से 5 रुपए पाता था और इसी मामले में वारदात हुई। दिल्ली सड़क गाजियाबाद में एक नाबालिग को डंडे से पीटने का वीडियो वायरल हुआ है। मामला गाजियाबाद विकास प्राधिकरण के एंट्री गेट के पास का है। चोरी का आरोप लगाकर एक गार्ड इस नाबालिग को डंडे से पीट रहा है। राजस्थान के जैसलमेर में होमवर्क नहीं करने पर एक मासूम को 3rd डिग्री सजा दी गई। तीसरी क्लास के छात्र की अध्यापक ने इस कदर पिटाई की कि उसकी आंख जाती जाती बची। साइबर सिटी गुरुग्राम में गरीबों के इलाज के लिए बने हेल्थ स्कीम वैन बीमार हो गई है। केंद्र सरकार की 3 बड़ी मोबाइल मेडिकल वैन खड़ी खड़ी खराब हो गई। मध्य प्रदेश के मुरैना में एक महिला ने अपने साथ गैंगरेप का आरोप लगाया है। पीड़ित महिला ने पुलिस पर भी मामले की लीपापोती का आरोप लगाया है। यूपी के सहारनपुर में पेट्रोल पंप कर्मचारियों से लूट का मामला सामने आया है। मामला सदर बाजार बस स्टैंड के पास का है, जहां हथियार के दम पर लूट की वारदात को अंजाम दिया गया। यूपी के कौशाम्बी में सिराथू इलाके में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। बदवा गांव के एक किसान का आरोप है कि भारतीय स्टेट बैंक ने उसके अकाउंट से 1 लाख रुपए काट लिए। प्रदूषण से परेशान दिल्ली के लिए बड़ी खबर है। अब आपकी गाड़ी ज्यादा साफ ईंधन से चलेगी। 1 अप्रैल से दिल्ली में BS6 फ्यूल सप्लाई बंद, BS4 बंद हो जाएगी और BS6 मिलेगी। हरियाणा की गोल्डन गर्ल ने फिर कमाल कर दिया है। जूनियर शूटिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप में मनु भास्कर ने गोल्ड जीता है। दिल्ली में वीर सपूत शहीद भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को अलग अलग अंदाज में श्रद्धांजलि दी गई। शहीदों को याद करते हुए डायलॉग इनिशिएटिव फाउंडेशन की ओर से रंग दे बसंती नाटक का मंचन किया गया।